कि वर्षों से जिस परिवार ने अमेठी की इस रणभूमि से, इस पुण्य भूमि से अपनी राजनीति को सींचा, उस परिवार ने अमेठी की जनता को विकास से जानबूझकर दूर रखा, विकास की दृष्टि से अमेठी की जनता का तिरस्कार किया ताकि वो सोने के महलों में रह सके। ये मेरा परम सौभाग्य था कि जब आपके मध्य में मैं आई तो आपने मुझे भाजपा की प्रत्याशी के नाते नहीं बल्कि एक बहन के नाते स्वीकार किया और दीदी कहकर मुझे बुलाया। एक संकल्प, एक सौगंध हमने खाई थी साल 2014 में लोकसभा के चुनाव में, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। संकल्प उनका था कि भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का प्रत्याशी आपके मध्य में आपकी परेशानियां बढ़ाने नहीं बल्कि विकास करने आया है, और वो विकास जिससे वर्षों वर्ष, पांच दशकों से ज्यादा ये जनता दूर रही है। आज आपके मध्य में कहते हुए मुझे हर्ष है कि जब हमारे जिला अध्यक्ष आपको संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बतलाया कि जब सरकार प्रदेश में भाजपा की नहीं थी तब अमेठी के नागरिक, अमेठी के किसान भाई दीदी के पास आकर कहने लगे कि आज अगर अमेठी के किसान को कोई दरकार है तो कम से कम दीदी एक खाद का रैक उतार दो। यह असाधारण बात इसलिए थी क्योंकि साल 2014 का लोकसभा का चुनाव मैंने नहीं जीता था, लेकिन जनता ये जानती थी कि अगर काम करवाना है तो भाजपा ही विकास का काम करा सकती है, किसान का उत्थान भाजपा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही संभव है। आपने एक आवाज उठाई कि खाद का रैक चाहिए। जब दिल्ली तक ये समाचार गया तो दिल्ली में मीडिया भी स्तब्ध थी कि क्या खाद का रैक उस संसदीय क्षेत्र में नहीं उतर पा रहा है।